हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो जो भोपाल सिंह खत्री एचएसएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने लाइव आकर कुछ कहा है, तो वो हम आपको सुनवाने वाले हैं। इससे पहले हम जो सीटी से संबंधित प्रैक्टिस सेट हैं वो भी डाल रहे हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी है, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही जो भी अपडेट आती है वो आपके लिए लेकर आते हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही जो वीडियो डाल रहे हैं इनको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप अगर सीटी मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। इससे क्या होगा, आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि हम लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट डालने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो ये वीडियो सुनिए, भोपाल सिंह खत्री ने क्या कहा है। नमस्कार, मैं भोपाल सिंह खत्री, चेयरमैन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक खास विषय को लेकर आपके बीच में हूं। अभी जो मेल कॉन्स्टेबल के कैंडिडेट थे, आपने देखा कि हमने 3087 कैंडिडेट एक लिस्ट 2-4 दिन पहले भेजी थी ज्वाइनिंग के लिए मधुबन में, और एक लिस्ट हमने आज लगभग 2000 कैंडिडेट की और भेजी है। इनमें से कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट या वेटिंग कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नाम इन दोनों सूचियों में नहीं गया। उन दोनों सूचियों में जिन कैंडिडेट्स का नाम नहीं गया उनके काफी फोन या व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं। ऐसे 84 लोग हैं जिनका नाम नहीं गया, या जो पहले हमारी बायोमेट्रिक हुई थी 11 लोग उसमें मिसमैच हो गए थे, उनका नाम भी दोबारा नहीं गया। तो हम अपने लेवल पर इनका मिलान कर रहे हैं, क्योंकि हम 4 तरीकों से मिलान करते हैं। जो आपने एग्जाम में बायोमेट्रिक दी, ज्वाइनिंग के टाइम में आपने बायोमेट्रिक दी, और जो आपने फोटोग्राफ अपनी एप्लीकेशन पे लगाया, एडमिट कार्ड पे लगाया, और जो हमने एग्जामिनेशन हॉल में आपकी सीसीटीवी कैमरे से फुटेज ली, वीडियोग्राफी की या फोटोग्राफी की, ऐसे कई चैनल हमारे हैं जिससे हम कैंडिडेट का मिलान करते हैं कि कैंडिडेट कोई बोगस तो नहीं है या इम्पर्सोनेशन या सीटर का मामला तो नहीं है। तो हमें ऐसे सभी कैंडिडेट का मैनुअल सभी तरीकों से मैच कराने के लिए हमने अपनी टीम एक्सपर्ट की लगाई हुई है। ऐसे कोई भी बच्चा ना तो आयोग के कार्यालय में आए, ना इस तरह की कोई पूछताछ करे। जो जेन्युइन कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट हम जल्दी ही पुलिस विभाग को भेजेंगे ताकि वो ज्वाइन कर सके, और ये काम हम बहुत जल्दी करेंगे, और बच्चे इससे ना उतावड़े हों और ना हतोत्साहित हुई ना निराश हों। हमारी एक लिस्ट, तीसरी लिस्ट 2-4-5 दिन में दोबारा पुलिस विभाग के पास जाएगी। तो ये मैसेज मैंने आपको देना था, बहुत बहुत धन्यवाद।